अगर आप भी इत्र की खरीदारी करने कन्नौज गए हैं और सुबह आपको जलेबी खाने का मन हुआ तो कन्नौज में एक ऐसी जगह है जो कि गुमनाम जलेबी के नाम से प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ पर जलेबी खाने आते हैं। अलग अलग तरह की जलेबियों के शेप यहाँ पर मिलते हैं, जिनमें चाहे छोटी जलेबी हो और चाहे बड़ी जलेबी हो, ग्राहकों को उनकी डिमांड पर यहाँ पर गर्मा गर्म तुरंत के तुरंत जलेबी बनाकर दी जाती है और उसके साथ दही भी दिया जाता है। इन जलेबियों का स्वाद बेहद स्वादिष्ट होता है। जलेबी खासियत यह है कि हमेशा जो है जो रिफाइन लगाते हैं वो हम शुद्ध फार्चून का लगाते हैं, हम सस्ता माल नहीं लगाते हैं, इसलिए जो है अच्छा माल तैयार होता है, सब ग्राहक संतुष्ट होकर जाता है। काम तो हम 1995 से कर रहे हैं, नाम कुछ नहीं, केवल सब हमको हमारे नाम से ही हमको पहचानते हैं। हाँ, हमको सब लोग पाल पाल करके जो है, हाँ, पाल जलेबी समोसा यही हमारा फेमस था। अब बीच में जो है समोसे का काम बंद कर दिया, क्योंकि उस तरह के कारीगर जो है शुद्धता सफाई नहीं रखते, सभी मसाला खाते हैं, अब हम नहीं उन कारीगरों को रखते हैं, इसलिए जो है हम अकेले इतना ही काम अपना चला रहे। जलेबी में खमीर पाया जाता है, ये पेट के लिए लाभदायक होता है और उसके साथ दही है, तो दही और जलेबी दोनों पेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। सुबह सुबह के नाश्ते में जो है दही जलेबी खाएगा, उसका पेट का डाइजेशन जो है अच्छा रहेगा। ये मैदा जो है खमीर रखते हैं, खमीर में जो है मैदा लगा के और इसको फेंटा तैयार किया जाता है, बस फिर उसके बाद जो है शुरू कर देते हैं बनाने के लिए। अब लोगों की मांग है, कोई कहता है हमको इमरती टाइम में दे दो, तो उनको इमरती टाइम में बना के दे देते हैं। यहाँ पे जलेबी की दुकान है गोपाल जी जलेबी वाले, यहाँ पे हम डेली सुबह आते हैं जलेबी खाने, बहुत अच्छी जलेबी है, दही भी है और इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मीठा खाना चाहिए, शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती। हम तो काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, साल को साल स्वाद एकदम मस्त। हाँ, जलेबी गोपाल के नाम से, गोपाल जी समोसे के नाम से फेमस।